नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को किसी ऐसे मनुष्य से, किसी ऐसे इंसान से अवगत करवाऊं, मिलवाऊं, रूबरू करवाऊं, जिनसे हमारे दर्शक कुछ सीख सकें, हमारे दर्शक उनसे कुछ अच्छा हासिल कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे युवा नेता, युवा समाज सेवक से, जो कोरोना काल में एक मसीहा बनकर उभरे। मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको भवनगामा पंचायत के मुखिया से, श्री दिगंबर मंडल जी। पिछले 3 रीजन से उस पंचायत के मुखिया हैं और लगातार बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो दिगंबर जी, आपका सिल्क टीवी के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सिल्क टीवी को और आपको भी, जो कि हमें मौका मिला जी। लगातार आप, मैंने आपके वीडियोस फोटोज देखे सोशल मीडिया पे, आपका अच्छा फॉलोअर है फेस पेज पर, आपके पेज में अच्छा रिव्यू आ रहा है, आप कार्य अच्छा कर रहे हैं। मैंने उन चीज़ों को देखा, आपके अखबार में जो खबर छपे उन चीज़ों को भी पढ़ा, मैंने उन सभी चीज़ों का आकलन किया और फिर इस स्थिति पर पहुंचा कि आपसे एक बार मुलाकात किया जाए, आपसे बात किया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि लगातार आप पिछले 3 महीने से जो समाज सेवा किए जा रहे हैं, जो जन सरोकार में कार्य किए जा रहे हैं, आप इन चीजों के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आप कहाँ से प्रेरित हुए, कब आपको ऐसा लगा कि समाज में इन चीजों की जरूरत है और आप आगे आकर वहां हाथ बटा सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद पुनः एक बार मैं सिल्क टीवी का करना चाहूंगा और ये प्रेरणा मुझे मेरे समाज से मिला। मेरे समाज में जो हम देखे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा काम हमको करना चाहिए, ऐसे भी सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अगर ऊपर वाले के कृपा से, आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से अगर भगवान हमको कुछ दिया है, अगर वो आम इंसान के काम नहीं आवे, इंसान इंसानों के काम नहीं आवे, तो क्या फायदा जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको प्रेरणा मेरे समाज से मिली है। मेरे समाज में ऐसे हमसे भी पहले लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जितना सेवा हम जब से कर रहे हैं, विरासत में बहुत कुछ हम मुझे नहीं मिला जी, लेकिन जब से ये प्रेरणा आई कि दूसरे का भलाई करना चाहिए, भला करने से स्वतः खुद मतलब इतना प्रगति पे हम हैं जिसका वर्णन नहीं है जी। इसलिए हम मानते हैं कि हम जितना सेवा में खर्च करते हैं या समय देते हैं, भगवान उससे कई गुना ज्यादा हमको देता है जी। सेवा परम धर्म, ये तो कहा गया है। और चूंकि समाज सेवा में जो संतुष्टि मिलती है, वो संतोष बाकी किसी काम में नहीं मिलता, ये तो मैंने भी इस चीज को अनुभव किया है। मैंने भी कुछ दिन समाज सेवा में कार्य किया है। मैं जानना चाहूंगा, आप राजनीति में इस साल जो अक्टूबर में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, इसमें आप हाथ आजमाने जा रहे हैं, आप निर्दलीय से उम्मीदवार रहेंगे और आप चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि आपने अपने पुराने कार्यकाल के दौरान, जिस दौरान आप मुखिया रहे, पिछले 3 रीजन से आप मुखिया हैं, आपने क्या ऐसा विशेष कार्य किया आपने पंचायत में जिसे देखकर जनता आप पर विश्वास करे और आपको अपना मत दे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आप बोले कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रहेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के ही रूप में रहूंगा। मैं पिछला 2015 में भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जनता उस समय हमको इस योग्य नहीं मानी कि हम विधानसभा संभाल सकेंगे। पुनः 3 महीने बाद पंचायत का चुनाव हुआ और पंचायत के जनता ने मुझे 70% मतदान किया मेरे पक्ष में, जबकि मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा था और 70% मतदान हुआ, तो मुझे लगा कि अभी भी जनता को मुखिया पद पे हमको रखना बहुत जरूरी महसूस हो रहा है। हमने अपने पंचायत में, मेरे पंचायत में 5 गांव, जिस समय मैं मुखिया बना 5 गांव में केवल 1 गांव में बिजली था और मुखिया बनने के 1 सप्ताह बाद 2 गांव में हम तुरंत 2 ट्रांसफार्मर दिए और उससे बिजली जला, और पिछले मतलब कि बनने के जस्ट 1 साल बाद मेहनत करके, ऐसे भी योजना चल रही थी सरकार का हर घर बिजली, उसका फायदा उठा के हम पूरे मतलब पंचायत में सभी गांवों में बिजली है। दूसरा सबसे बड़ा उपलब्धि मेरा, मेरे जीवन का, मुखिया काल का ही नहीं, मेरे कमाई का या मेरे होने का सबसे बड़ा सदुपयोग जो हुआ इस मुखिया काल में, वो ये है कि एक महादलित टोला में स्कूल सेंक्शन था, स्कूल वृक्ष के नीचे चल रहा था या किसी दूसरे भवन में चल रहा था बहुत दूर जाके, उस समाज में सरकारी जमीन नहीं होने के कारण स्कूल नहीं बन पा रहा था। उस स्थिति में हम
अपने निजी कोष से पहले जमीन खरीदे किसी आम पब्लिक से, उसके बाद जमीन खरीद के वो महामहिम राज्यपाल को रजिस्ट्री किए, तब उस जमीन पे आज स्कूल बना, स्कूल बन के स्कूल चल रहा है। और जब भी उस स्कूल की मतलब बगल से गुजरता हूँ या उस पर निगाह जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे कमाई का अगर सही सदुपयोग हुआ तो वो ये स्कूल में हुआ है, जो कि मेरे पैसे से जमीन दिया गया और उस जमीन पे भवन बना। भवन भी काफी प्रयास करके हमने बनवाया। आज के समय में तो विकास बहुत हो सकता है लेकिन कराने वाला चाहिए, तो काफी प्रयास करके भवन बनाए और काफी चल भी रहा है। दूसरा जाके दूसरे स्कूल की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उच्च विद्यालय। मेरे यहाँ 1961 में उच्च विद्यालय का निर्माण हुआ है और उस उच्च विद्यालय के अध्यक्ष जो हमारे थे भूतपूर्व मुखिया जी स्वर्गीय रामकुंड मंडल जी, जो कि बहुत अच्छे कुशल नेतृत्व करता रहे हैं हमारे पंचायत के, एक अच्छे मुखिया रहे हैं हमारे पंचायत के, उनके शासन काल में वो स्कूल बना था 1961 में। उसके बाद वो प्रमुख भी रहे, उसके बाद मेरे पंचायत का पुनः और व्यक्ति प्रमुख पद पर रहा और उस स्कूल का माननीय विधायक जो अध्यक्ष होते हैं उच्च विद्यालय का, वो 3 बार मंत्री पद पे रहे और 3 बार मेरे स्कूल का अध्यक्ष पद पे रहे। इतना रहने के बाद भी उस स्कूल का चार दीवारी नहीं हुआ, यानी मेरा स्कूल तो था लेकिन वस्त्र विहीन था। जैसे बिना कपड़ा का हम लोग हो जाए तो किस तरह लगेंगे, उस तरह से मेरा स्कूल लग रहा था। और अभी सरकार के द्वारा जब हम लोगों को आदेश मिला कि मनरेगा से हम लोग चार दीवारी कर सकते हैं, तो लगभग 50 लाख की लागत से मैं उस स्कूल का चार दीवारी बनवा रहा हूं, जो काम की बहुत ही कठिन है। नाला रोड ये तो हर गाँव में बनवा रहा, लगभग 85% एरिया मेरे पंचायत का पीसीसी और नाला है, 15% बचा हुआ, जिसमें भी कई एक कारण है जो कि मैं काम नहीं करवा रहा। जैसे कि हमारे पंचायत से होकर गुजरने वाली सड़क जो कि 2 प्रखंड को जोड़ती है, बाराहाट और धुरैया प्रखंड, दोनों एक ही रोड से मैं जुटा हुआ है। वो रोड हमारे यहाँ बना था 1970 में वो रोड बने थे, जिसमें कि मैं चंद्रशेखर सिंह जी हुआ करते थे इधर, और 80 और 70 के बीच में वो रोड बना है। उसके बाद पुनः वो रोड का एक बार मरम्मति मतलब 2000 के आसपास हुआ और आज उस रोड की ऐसी स्थिति है कि मेरे पास जो छोटी गाड़ी है उससे हम नहीं आ जा पा रहे, जो कि मुख्य सड़क है। अगर आप मेरे यहाँ जाएंगे तो जैसे लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं, कैसा सुदूर देहात में जा रहे हैं, जो कि रोड नहीं है। उसी के बगल से मेरे पंचायत हो गए एक मुख्यमंत्री सड़क योजना और है, जो कि सिद्धौन मेरे पंचायत होके गुजरती है और वो दूसरे पंचायत को जोड़ती है। वो दोनों रोड का स्थिति इतना बेहतर है कि बरसात में तो मान लीजिएगा बाइक से गए तो कभी भी स्लिप करके गिर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि मतलब प्रयास भी करने से मेरे वैसे काम का हम विकास मुखिया पद पर रह के नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त पैसा है। अनदेखी के अभाव में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उच्च स्तरीय, चाहे सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो, जो भी पद पे आते हैं, जब तक पद पे नहीं रहते हैं तब तक तो उनको दिखता है कि समाज में क्या क्या कमी है। जब पद पे जाते हैं तो ये कुर्सी ही ऐसी चीज है ना, जो नेता की कुर्सी पे जो एक बार बैठ जाता है तो जैसे कि इंद्रासन पे जब तक बैठे रहते हैं तो वो हिलते नहीं है, उसी तरह वो समझते हैं कि इंद्रासन मिल गया, हर ऐसो आराम उनको चाहिए नेताजी को, तो इसलिए क्षेत्र उनको दिखता नहीं। तो वैसे नेता को क्षेत्र दिखाने के लिए मेरे जैसा आदमी चुनाव मैदान में आया है। नहीं, जो स्थिति आपने अपने पंचायत की बताई, मैं बता देना चाहता हूं अपने जनता को कि दिगंबर मंडल जी बांका जिला के बाराहाट प्रखंड में बबनगामा पंचायत के मुखिया हैं और अपने पंचायत की समस्या को ये लगातार उठाते रहते हैं, लगातार अपने पंचायत में जन सरोकार में काम करते रहते हैं। मैं और भी कुछ आपसे जानना चाहूंगा मुखिया जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप यदि आप राजनीति में भी आप हाथ आजमा रहे हैं और यदि आपको जनता ने मत दिया, आप पर विश्वास किया और आपको विधायक की कुर्सी मिली, तो सबसे पहला काम जो आपके समाज में बच गया है, जिसको आपको उन्नति करना है, जहां आपको उन्नति करना है, सबसे पहला कार्य क्या रहेगा और सर्वोपरि क्या रहेगा कि आपको विधायक बनने के बाद सबसे पहले कौन से चीजों पर अपना नजर डालना है, क्या क्या चीज समाज में नहीं है, किन किन चीजों का उत्थान जरूरी है, आप इस बात को हमारे दर्शक के बीच रखें। सबसे पहले तो मैं मानसिक विकास करूंगा, युवाओं में जो आज मानसिकता है, युवा राजनीति की ओर बढ़ना चाहते हैं और सभी युवाओं का जो उपयोग सिर्फ कर लेते हैं नेताजी लोग। आज लोग कहते हैं कि नहीं, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन आप बताइए आज तक
बिहार हो या और जगह की तो मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, किसी युवाओं को मौका मिला क्या? हाँ मौका मिला, जैसे लोग कहते हैं कि युवा नेता हमारे राहुल गांधी हैं, या फिर वो तो नेशनल स्तर पे हो गए, बिहार के स्तर पे कहते हैं कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है, जैसे पासवान जी अपने लड़के को मौका दिए, मौका तो मैं उनको मिला ही युवाओं को, लेकिन बागडोर अभी भी उन्हीं के हाथ में है। और ऐसे युवाओं को मौका मिले जो समाज से उठ के जाए, जो समाज की अच्छाई और खराबी को सामने रख सके, तो वैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और मानसिक विकास अगर हो गया इंसान का ना, इंसान समझने लगे जिस दिन कि जाके हमको क्या करना चाहिए, तो स्वतः सब चीज का विकास होगा। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता है कि सरकार के तरफ से जो पैसा आता है क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ, अभी बिहार सरकार 3 बार घोषणा की कोरोना शासन काल में। पहला घोषणा आया उनका कि 963 करोड़ रुपया दिया जाएगा प्रत्येक पंचायत को पूरे राज्य में, 963 करोड़ रुपया। दूसरा एक पेपर में आया, 21/4 के पेपर में भागलपुर एडिशन से निकला था, हम लोग पढ़े थे, कि 4 लाख रुपया कोरोना से लड़ने के लिए प्रत्येक पंचायत को दिया गया। तीसरा और सबसे लास्ट में भी मई महीना में आया 22 मई को कि 9,10,000 रुपया प्रत्येक पंचायत को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कोरोना के लड़ाई के लिए। युवा जागरूक है, पेपर पढ़ रहा है, पेपर में देख रहा है जितना इतना पैसा आ रहा है, मुखिया सब खाए जा रहा है, मुखिया कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन मैं जानकारी देना चाह रहा हूं सबको, ये सरकार केवल घोषणा की सरकार है। अगर मैं सरकार जो है, इसलिए मैं इस सरकार में भी बहुत अच्छा काम हुआ जी, लेकिन इस बिंदु पे जो कोरोना महामारी में इन्होंने जो ये 3 घोषणा किया, तीनों में एक भी रुपया मेरे पंचायत में नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के पंचायत में नहीं गया, क्योंकि मैं भी एक मुखिया हूं, मेरे पास पासबुक है। मेरे यहां अप्रैल में 2,24,249 रुपया आया, जो विकास की राशि है, जो 19-20 का विकास का राशि है, वही पैसा मेरे पंचायत में आया। उस पैसे से डीएम साहब हम लोगों को एक लेटर के द्वारा आदेश किए कि 4 मास्क और 1 साबुन बांटना है प्रत्येक परिवार में। इसमें भी लोचा है, अब बताइए कि 4 मास्क, किसी परिवार में 6 व्यक्ति है तो 6 मास्क हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये 4 मास्क में बंधन डाल दिए, और वो भी 20 रुपया का ही साबुन होना चाहिए और 1 मास्क 20 रुपये का। आज के डेट में एक लेबर क्लास आदमी भी 20 रुपये का मास्क अब लगाना नहीं चाह रहा है। तो खैर, इस तरह की घोषणाएं सरकार करते रहती है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि सबों को सही जानकारी देना कि आप के समाज में किस तरह का विकास हो रहा है। जैसे बहुतों को यह जानकारी अभी तक नहीं होगा, बहुत लोगों को, कि सांप के काटने से भी सरकार 4 लाख रुपया देती है। सरकार बहुत चीज दे रही है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं मिल रहा। जैसे हमारे हम मुखिया हैं, अभी हम लोगों को पर्सनल पावर है वृक्षारोपण का, पर्यावरण के लिए, अध्यात्म के लिए और सभी के विकास के लिए वृक्षारोपण एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत अच्छी योजना है। उस योजना का हम लोग समुचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यानी आम पब्लिक नहीं ले पा रहा है। उसके बाद हमारे खेत पोखरी है, पोखर भी हम लोग मनरेगा के तहत खुदवाते हैं, और गाय सेट भी हम लोग मनरेगा के तहत बनवाते हैं। जो उनके पास गाय है वो गाय सेट बनता है, 1,57,000 का एस्टिमेट है, 1,57,000 रुपया का एक प्राकलन हम लोग तैयार करते हैं, जो कि गाय सेट बनवाते हैं। उसके बाद मुर्गी पालन का भी व्यवस्था पंचायत के तरफ से है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि धरातल पर नहीं आ पा रहा है, तो वो सब योजनाओं के बारे में जानकारी देना। और सबसे बड़ी बात, किस चीज का डिमांड हम किससे करें जो पूरा होगा। अब एक मुखिया से डिमांड कर, जैसे कि मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र था तो मेरे पंचायत में 1 उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं। वहां का जो स्थिति देखिएगा, वहां प्रसव होने का व्यवस्था है लेकिन कोई नर्स नहीं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इस सब व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विकास को करना चाहिए। ऐसे तो इजी वे में और बोलचाल की भाषा में सभी नेता कहते हैं कि मैं जिस समय पद पे आऊंगा तो सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दूंगा, लेकिन मैं वैसे नेता में से नहीं हूं जो कि बोल दूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य। हम क्या कर सकते हैं, हम एक विधायक बने तो विधायक क्या क्या कर सकता है, हम अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के मामले में हम ये बता सकते हैं कि मेरे यहाँ एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। शिक्षा के मामले में हम सरकार आग्रह कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पावर नहीं होता कि हम शिक्षक का ट्रांसफर करें या पोस्टिंग करें या अच्छे टीचर को लाएं या औचक निरीक्षण के दरमियान किसी का सस्पेंशन कर सकें, वो भी पावर मेरे पास नहीं है।
जैसे मुख्यमंत्री विकास योजना से जो रोड आता है उस रोड का मान हमको किनके पास करना चाहिए? सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री का जो भी विकास का योजना है हमको विधायक जी के पास करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री विकास योजना से कोई रोड बना है या बनने का उम्मीद है पर उसके लिए हमको सांसद के पास जाना चाहिए। तो इस चीज का जानकारी होना आम पब्लिक के पास या खास करके युवाओं के पास बहुत जरूरी है। किस चीज का मांग हम कहां करेंगे जो पूरा होगा? सबसे पहले आपने, जैसा कि आपने बताया कि ये बोलना कि स्वास्थ्य पर काम करना, शिक्षा पर काम करना, ये अलग चीज है। ये हर सरकार कहती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा ही हमारी समाज की नींव है, तो उस पर कार्य करना कहीं ना कहीं हर जनप्रतिनिधि का, हर नेता का दायित्व है। आपने बताया कि मैं मानसिक तौर पर काम करूंगा, हर जनता को सरकार द्वारा निकाली गई हर योजना की जानकारी रहेगी और तभी वो उस चीज का डिमांड उसके देने वाले व्यक्ति से कर पाएंगे। मानसिक तौर पर विकास या फिर जानकारी जहां तक हर जन जन तक पहुंचाने की बात है, ये कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का कार्य करेगी, जिससे कि जनता और सरकार के बीच में एक संबंध बना रहे। यदि मुझे कुछ चाहिए तो मैं किनसे मांगूं जो पूरा हो, ये बहुत ही सही बात आपने बताई। मैं लास्ट में चलते चलते एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, अब जो राजनीति चल रही है भारत में यूथ ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं अब जो युवा हैं वो राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज से 20 साल पहले युवाओं को राजनीति से कोई मतलब नहीं हुआ करता था, पर अभी जो हमारे जनरेशन के यूथ हैं वो इस चीज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आप भी युवा हैं और आप पिछले 3 रीजन से मुखिया हैं। अभी जो युवा चाह रहे हैं हाथ आजमाना राजनीति में, आप उनके लिए 2 शब्द बताएं, कुछ संदेश दें, ताकि उनको इस राह में जाने में ज्यादा कठिनाई ना झेलना पड़े। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो अपना मतदान बहुत ही सोच समझ के करें और ये जो विकास तब संभव है, अच्छाई तब संभव है, क्वालिटी तब संभव है जब आप ब्रांड को नहीं देखेंगे। आपको देखना ये है कि किस व्यक्ति से विकास हो सकता है। आप अगर आज भी सब का बात मान ले, जैसे हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़े थे एक तोता का, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं, लेकिन पुनः वो तोता वही काम ये गाना गाते हुए भी फंस जाता। तो युवा अभी अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन युवाओं के समझ में जो उनका जो माइंड है ना उसको डाइवर्ट लोग कर दिए, कि जैसे कि बहुत तरह का बात दिमाग में डाल दिए। सबसे पहले विकास के लिए अच्छे व्यक्ति का चयन जरूरी है, उनका जो नेतृत्व करता है, उनका जो लीडर होगा वो अच्छा होना चाहिए। पार्टी या जाति या कुर्सी कोई खराब नहीं होता है, खराब होते हैं वो लोग जो उस कुर्सी पे बैठते हैं। अगर कुर्सी खराब है और उस पे एक अच्छे व्यक्ति बैठ गए तो अच्छा विकास होगा। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि जहां राम वहीं अयोध्या, तो जिस कुर्सी पे अच्छे लोग बैठ जाएंगे चाहे वो किसी पार्टी से हो, मेरा दावा है और मेरा मानना है और मेरा युवाओं से आग्रह है कि वैसे व्यक्ति का चयन करें जो व्यक्ति अच्छा हो, जिस व्यक्ति के चरित्र पे कोई दाग नहीं हो। जो पूर्व में विरासत लोग क्यों देखते हैं, लोग कहते हैं ना कि इनका पिता अगर चोर बहमान था तो बेटा में भी कुछ गुण होगा, पापा पुत्र परम पुत्र घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा। अरे वैसे युवाओं को लाने से क्या फायदा जिसका बाप चोर रहा हो, वैसे युवाओं को लाने से क्या फायदा जिसका बाप पहले मंत्री कहीं एक बार रह चुका हो और कोई विकास नहीं किया हो। तो वैसे युवाओं को लाइए जिसके ऊपर पहले से कोई दाग नहीं है, वो बेदाग है। अगर ऐसा युवा करते हैं और अपना नेता खुद तैयार करते हैं, क्योंकि जनता नेता पैदा करती है, एक नेता एक भी जनता पैदा नहीं कर सकती, पैदा करने का मतलब होता है कि जन्मदाता। अगर ये शब्द किसी को बुरा भी लग सकता है लेकिन सीधी सी बात है, अगर एक जनता चाह ले तो किसी को भी रातों रात स्टार बना सकती है, रातों रात कई एक नेता बना सकती है। तो जो नेता बनाती है वो पिता होते हैं, इसलिए उनको अच्छा पुत्र का सिलेक्शन करना है, यानी अच्छे नेता का सिलेक्शन करना है। वो तो जिनको चाहेगी जनता या जिनको आज के डेट में युवा चाह लेगी उसी का सरकार भी बनेगा और वही उस क्षेत्र का नेता होगा। बहुत सही बात आपने बताई कि जनता चूक नहीं करती है, जनता नेता चुनती है, नेता के जन्मदाता जनता होते हैं। ये थे हमारे साथ बभनगामा पंचायत के मुखिया श्री दिगंबर मंडल जी।
मैं बता दूं आपको कि भवनगामा पंचायत बांका जिला के बाराहाट प्रखंड में पड़ता है और इनके पंचायत में इनके द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय है। बहुत अधिक इनके कार्यों की चर्चा हो रही है, हर जगह इनको शाबाशी दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप भी यदि समाज में हैं और आप भी अपने समाज में कुछ करना चाहते हैं तो गरीबों की, उनकी जो लाचार हैं या फिर उनकी जिनके कोई मददगार नहीं है उनकी मदद करें, खराब स्थिति में, विकट परिस्थिति में देश के साथ रहें। चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।